राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। मैं इस वक्त हूँ वृंदावन के कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर में। आप देखेंगे यहाँ पर नौका बहार लीला की जा रही है। देखिए नौका बिहार लीला, आप देखेंगे यहाँ पर विदेशी भक्त झूमते गाते हरे कृष्णा हरे रामा के साथ यहाँ पर नौका बिहार लीला की जा रही है। आप देखेंगे नाव को कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है, ये फॉरेनरों ने सजाया है। पूरा पुष्प वर्षा हो रही है ठाकुर जी के ऊपर, और देखिए किस तरीके से उल्लास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि होली के बाद गर्मी शुरू हो जाती है, तो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए ये नौका विहार की जाती है ठाकुर जी को, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें ठंडक मिले। तो आप देखेंगे पूरे पुष्पों के साथ ये नौका बनाई गई है, नाव बनाई गई है, और पूरे इस्कॉन मंदिर को देखिए मानसी गंगा के रूप में यहाँ पर बनाया गया है। हर जगह जल भरा गया है। ये तैयारी काफ़ी दिनों से शुरू हो जाती है। आप देखेंगे, ये देखिए ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, ये विग्रह ठाकुर जी का, राधा कृष्ण का यहाँ पर विग्रह है। हर तरफ देखेंगे तो फॉरेनर ही फॉरेनर यहाँ पर नजर आएंगे। हर कोई चाहता है कि अपने ठाकुर जी के दर्शन करना। आप पूरा मंदिर को देखेंगे तो पूरा मंदिर भरा हुआ है विदेशी भक्तों से, देसी भक्तों से, क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन हर कोई करना चाहता है। और हमारे साथ ऐसे ही भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। क्या नाम है आपका? अनादि मोहनदास। मोहनदास जी, कैसा अनुभूति कर रहे हैं अब? बहुत आनंद आ रहा है। और यह महोत्सव आज के दिन मनाया गया है, 23 मार्च 2022 के दिन। इस दिन इस भगवान को नौका विहार कराया जाता है, क्योंकि होली के दिन आप जैसा कि सभी जानते हैं कि होली के दिन गर्मी बढ़ जाती है, तो भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है, जिससे कि भगवान को आनंद आए। और वास्तव में भगवान को ही आनंद नहीं आता, हम सभी भक्तों को साथ साथ आनंद आता है, और हम सभी मिलते हैं, हमें प्रसन्नता का माहौल यहाँ मिल रहा है। ऐसा आनंद आपने कहीं देखा है, कहीं दृश्य अलग? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है। कभी कभी बरसाने में होली के दिन देखने को मिलता है, और उसके बाद दूसरा स्थान यहाँ इस्कॉन वृंदावन है जो ऐसा। तो पूरा मंदिर आप देख रहे हैं कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है, तो कैसी अनुभूति हो रही है आपको? मुझको बड़ा ही आनंद आ रहा है, बड़ी हृदय में प्रसन्नता हो रही है, और भगवान को देख कर कि भगवान को शीतलता प्रदान कर रहे हैं नौका विहार के द्वारा, उस प्रकार हमारे हृदय में भी शीतलता आ रही है। भजन गाना चाहिए कुछ, हरे कृष्णा हरे राम, ऐसा लग रहा है कि हम चिल्ला चिल्ला कर भगवान के नाम पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए ये भक्त हैं जो दूर दराज से यहाँ पर सिर्फ नौका विहार के लिए यहाँ पर आए हैं। आप पूरा मंदिर आप एक बार देख लीजिए, मंदिर को कितने सुंदर तरीके से विदेशी भक्त इसका आनंद ले रहे हैं, और आज भी आप भी हमारे चैनल के माध्यम से इनका आनंद लीजिए। देखिए ये दर्शन कीजिए नौका विहार का, और पूरे इस मानसी गंगा कहा जाता है कि इसमें मानसी गंगा बनाया गया है पूरे मंदिर में, और पूरा मंदिर आप देखेंगे तो पुष्पों से लबालब है, जल से लबालब है, और मंदिर को पुष्पों के साथ सजाया गया है पूरा मंदिर। विदेशी भक्त यहाँ पर आनंदित हो रहे हैं इस दृश्य को देखने के लिए, क्योंकि ये साल में एक बार इसी तरीके का दृश्य देखने को मिलता है। बोलिए हरे कृष्णा राधे राधे, आप भी इसके दर्शन कीजिए।